हेलो फ्रेंड्स, मैं सी अभिषेक जैन आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि आपने थंबनेल पर देखा ही होगा कि अगर आपकी इनकम जीरो है या फिर इनकम आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के भी नीचे है, तो ऐसे केस में नॉर्मली क्या होता था कि उस पर्सन को रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती थी। लेकिन इस साल जो गवर्नमेंट है वो चेंजेस लाए हैं, वो चेंजेस को ध्यान में रखते हुए भले ही आपके इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट के नीचे क्यों ना हो या फिर जीरो ही क्यों ना हो, आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। यदि उन्होंने कुछ कई कंडीशंस बताई हुई है, कुछ तीन कंडीशंस बताई हुई हैं, वो तीन कंडीशंस के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया हुआ है और उसके बारे में डिटेल में भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने उसको बताया हुआ है, वो आपको आई बटन पर मिल जाएगी कि अगर आप ये तीन कंडीशंस में फॉल होते हैं तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा भले ही आपकी इनकम हो या ना हो। तो वो कौन से तीन कंडीशंस हैं, आज हम उसी के बारे में इसमें देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, मैं हूँ सी अभिषेक जैन एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड सारे अमेंडमेंट्स जो आएंगे और जो भी रिटर्न से रिलेटेड जो भी क्यूरीज रहेंगे और रिटर्न किस तरह से फाइल करते हैं वो सब आपको ये वाले चैनल पर मिल जाएगा। तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो, और आप नए हैं तो भी आप सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको खुद रिटर्न भरना के बारे में नॉलेज मिले कि किस तरह से रिटर्न भरते हैं, खुद उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब मैं अपनी वीडियो में शेयर करता हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हमें यहाँ पे लॉग इन कर लेते हैं। लॉग इन करके वो कंडीशंस मैं आपको बताता हूँ कि ये लॉग इन करने के बाद में जब हम रिटर्न फाइल करते हैं तो जनरल इन्फॉर्मेशन की शीट में ही ये आपको यहाँ पे वो कंडीशन मिलती है कि आर यू फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम अंडर 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 131 बट अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम। यहीं पे बोल रही है तुमको रिटर्न ऑफ इनकम भरने की जरूरत नहीं थी लेकिन तुम 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 131 में फॉल हो रहे हो तो तुम्हें रिटर्न भरने की ज़रूरत है। तो वो कौन से तीन कंडीशंस है वो यहीं पे उन्होंने दी हुई है। यहाँ पर आप नोट भी पढ़ सकते हैं कि टू बी फेल ओनली इफ पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 131 बट फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम ड्यू टू फुलफिलिंग वन और मोर कंडीशन मेंशनड इन द 7th प्रोविजन ऑफ सेक्शन 131 जिसको एप्लीकेबल नहीं था रिटर्न ऑफ इनकम भरना लेकिन सिर्फ ये कंडीशन मेरा उसकी वजह से ही भरना पड़ रहा है, तो ऐसे लोगों के लिए है। यदि आपको रिटर्न भरने की ज़रूरत थी, मतलब आप हमेशा के लिए हमेशा से लाइबल हैं रिटर्न भरने के लिए, तो आपके लिए वाले कंडीशंस नहीं है। ये कंडीशंस उन लोगों के लिए है जो रिटर्न जिन्होंने अभी तक नहीं भरा है या फिर जिनको एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन ये कंडीशन मानने की वजह से इनको एप्लीकेबल हो रहा है, ये सिर्फ उन्हीं के लिए है। यदि हो यदि आपको इन तीनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन आपको एप्लीकेबल होती है तो आपको यहाँ पे यस करना है और आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। तो जब आप इस पे यस कर देंगे तो ये तीनों कंडीशन एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो कौन से तीन कंडीशन है वो कि हैव यू डिपॉजिटेड अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़ और मोर 1 करोड़ इन वन और मोर करंट अकाउंट ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यदि आपने 1 करोड़ से ज़्यादा एक से ज़्यादा एक या फिर एक से ज़्यादा करंट अकाउंट में डिपॉजिट किए हैं आपने पिछले साल में 1 करोड़ से ज़्यादा, तो आपको यहाँ पे यस करना है और आपको रिटर्न भरना होगा। दूसरी कंडीशन है कि ये तीनों और हैं, इनमें से कोई भी एक कंडीशन भी आपके लिए एप्लीकेबल हुई तो आपको रिटर्न भरना पड़ेगा। नेक्स्ट कंडीशन है कि हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ द अमाउंट एक्सीडिंग 2 लैक्स फॉर ट्रेवल टू द फॉरेन कंट्री फॉर योर सेल्फ एंड फॉर एनी अदर पर्सन। आपने आपके लिए आपके फैमिली मेम्बर्स में से किसी के लिए भी 2 लाख से ज़्यादा खर्चा किया है फॉरेन ट्रेवल पे पिछले साल में, यदि हाँ तो आपको यहाँ पे यस करना है और आपको रिटर्न भरना पड़ेगा भले ही आपकी इनकम हो या ना हो। तीसरी कंडीशन हैव यू इनकर्ड एक्सपेंडिचर ऑफ एन अमाउंट और एग्रीगेट ऑफ अमाउंट एक्सीडिंग 1 लाख और ऑन कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। यदि आपने पिछले पूरे साल में, यदि एक महीने के बारे में नहीं है, ये पूरे साल में यदि आपने 1 लाख से ज़्यादा का इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया है तो आपको रिटर्न भरना कंपलसरी है। तो ये यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि बहुत सारे लोग जिनका मतलब खर्चा इलेक्ट्रिसिटी का ज़्यादा आता है, महीने का 10 हज़ार 11 हज़ार उससे ज़्यादा जो बिल आता है उनका तो आराम से, जिनका 8-9 हज़ार रुपये भी आता है उनका भी साल भर में 1 लाख रुपये से ज़्यादा तो हो ही जाता है। तो इससे बहुत सारे लोग जो रिटर्न के प्रीव्यू में नहीं आते थे लास्ट ईयर तक, इस साल से आ जाएंगे, उनको रिटर्न भरना पड़ेगा। तो ये तीन जो कंडीशन है बहुत ही डेंजरस कंडीशन हैं जिनको एप्लीकेबल भी नहीं होता है रिटर्न, जिनको अभी तक तो कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं थी उन सबको भी अभी रिटर्न फाइल करना होगा। तो ये तीन कंडीशंस इम्पोर्टेंट हैं, तो आप सभी ये बोले ये सब चीज़ों का नोट करो और चेक करो कि आप इनमें से फॉल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। कोई भी कंडीशंस में आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालो, टोटल चेक करो कि आप कितना अपने पे किया, और ये करना ज़रूरी है। यदि आप सोचते हैं कि इसको लाइटली ले लें तो इनकम टैक्स वालों के पास सारा डेटा होता है, वो कहीं से भी आपको ट्रैप कर सकते हैं और आपको नोटिस भेज सकते हैं, फिर आपको आगे जाके तकलीफ होगी। तो मेक श्योर कि
कि आप सब कंडीशन ध्यान में लेते हुए डिसीजन लें और रिटर्न फाइल करते समय पे। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट करके बताइए यदि आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डिफ़िकल्टी है, मैं ज़रूर उसका रिप्लाई दूंगा। तो ज़रूरी वीडियो है, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ में, और कुछ प्रॉब्लम आई हो तो मुझे कमेंट करो। थैंक यू फ्रेंड्स। यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। में आगे जो भी रिटर्न्स आएंगे वो सबसे बारे में मैं डिटेल में बताने वाला हूँ किस तरह से फाइल करना है, तो आप खुद ही अपना रिटर्न फाइल कर सकते हो नेक्स्ट फ्यूचर में जाके। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं, बाय बाय।